यासरीन भलीकार चंदासी बुलेटिन की बाकायदा शुरुआत कंदासीं ख़बर सां। माली साल 2023-24 जी इक़्तिसादी सर्वे पेश कई वही। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवण है तो सनअती तरक्की महांगाई में घटताई ऐं अहम मुआशी हदफ़नि में नाकामी थी। हुकूमती सुधारनि वारी पॉलिसीअ सां मरहिलेवार इक़्तिसादी बहाली थी रही आहे। इक़्तिसादी सर्वे मूजिबि हलंदड़ साल जी शुरूआती 10 महीननि दौरान ॿाहिरीं सीड़पकारी में 8.1% वाध थी आहे। मुआशी सुधारनि जे नतीजे में रुपए जो मुल किरण जो सिलसिलो बि रुकजी वियो आहे। नाणे जी वॾा सटा जा ज़खीरा वधी $14 अरब ताईं पहुची विया आहिनि। जुलाई खां अप्रैल ताईं वापारी खसारे में 21.6% घटिताई थी आहे। इक़्तिसादी सर्वे मूजिब मुल्क में कुल 263 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि। साल 2024 में तालीमी ख़र्च जी GDP 1.5% रहिया आहिनि। मुल्क में तालीम जी शरह 62.8% रिकॉर्ड कई वई, जंहिंमें मर्दनि जी तालीमी शरह 73.4% ऐं औरतुनि जी तालीमी शरह 51.9% आहे। स्कूलनि खां ॿाहिरि ॿारनि जे अंग में बलूचिस्तान पहिरें नंबर ते आहे, जिते 47% ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। सिंध में 44%, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 32% ऐं पंजाब में इहा शरह 24% रही आहे। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट मूजिब मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी 20,000 कंपनियूं रजिस्टर्ड थियूं आहिनि। IT जे इम्पोर्ट जो काथो $2,28,30,00,000 रहियो। IT फ्री लांसर जी रसीद $25,00,000 रहियूं आहिनि। मुल्क में ब्रॉडबैंड सार्फिन जो अंग 13.5 करोड़, टेलीकॉम सार्फिन जो अंग 19.40 करोड़ ताईं पहुची वियो आहे। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो आहे त महांगाई में घटिताई सबबि ब्याज जी शरह में कमी थी आहे। ईंदड़ माली साल जी शुरूआत बहितर अंदाज में कबी। स्टेट बैंक सबबि मुआशी इस्तकाम आयो। FBR जी कारकर्दगी बहितर थी रही आहे। मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवणु आहे त IMF खां सवाइ असां वटि को प्लान बि न आहे। IMF नए प्रोग्राम खे वाखाणियो आहे। GDP वधाइणी पवंदी, कंहिं सरकारी कारोबारी इदारे छूट नाहे, सभिनी खे मईशत जो हिसो बणजणो पवंदो। नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त टैक्स वसूली में 30% जी वाधि ॾिठी वई आहे। इहो अंदाज़ो लॻायो वियो हो त जारी खातनि में ख़सारो हिन माली साल में $6 अरब हूंदो। हिन वक़्तु नए माली साल लाइ करंट ख़सारे जो काथो $20 करोड़ लॻायो वियो आहे। उमीद आहे त डॉलर में हाणे सटेबाज़ी न थींदी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो आहे त ज़रई शोबे जी वाध हौसला अफ़ज़ाई कंदड़ आहे। ज़राअत जे शोबे में सभ खां वधीक तरक़ी थी आहे। ज़रई शोबे में अधु हिसो डेरी प्रोडक्शन ऐं लाइव स्टॉक जो आहे। जानवरनि जे बंपर फसल सां सुठो परॾेही नाणो कमायो। PIA बाबति ॻाल्हाईंदे नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त इदारनि में 1 ट्रिलियन जो ख़सारो बर्दाश्त नथो करे सघिजे। कर्ज़नि जी अदायगी ईंदड़ माली साल में वॾो मसलो न बणजंदी। PIA जी रिचकारी अगस्त सेप्टेम्बर ताईं मुकमल थियण जा इम्कान आहिनि। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जे आउट सोर्सिंग जो अमल बि तेज़ी सां जारी आहे। इक़्तिसादी सर्वे पेश कंदे ममलिकती वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त मुल्क में बिजली पैदा करण जी सलाहियत 42,131 मेगावाट आहे। पावर सेक्टर वधीक सुधारा आणणा आहिनि। बिजली जी विर्च कंदड़ कंपनियुनि खे खांगाए सघिजे थो। डिस्कोस जी निचकारी ज़ा बहितरी ईंदी। IPP सां ॻाल्हियूं करण बाद बहितरी ईंदी। नेपरा जी रिपोर्ट मूजिबि वाइपेदार ओवर बिलिंग जो बि शिकार आहिनि। कैपेसिटी चार्जिस जो नांग बिजली जो इस्तेमालु वधाए क़ाबू करे सघिजे थो। बिजली जो इस्तेमालु वधंदो त कैपेसिटी चार्जिस जो बार बि घटि थींदो। विपासे मां खे ॿुधाईंदा आलू त सदर आसिफ अली ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मुलाक़ात करे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मुलाक़ात कई। उन दौरान वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल बि मौजूदु रहियो। मुलाक़ात दौरान मुल्क जी मुआशी मामलनि समेत मजमूई सूरतयाल ते गुफ़्तगू कई वई। सदर ऐं वज़ीर आज़म जी मुलाक़ात दौरान बजट में अवाम खे रिलीफ़ फ़राहम करण जे हवाले सां तजवीज़ ऐं तरक़ियाती रिथाउनि बाबति पिणु वीचारियो वियो। उन दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी हिदायत कई त बजट में ग़रीब ऐं विचोले तबिके जो ख़ासि ख़्यालु रखियो वञे। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चीन जे दौरे बाबति सदर आसिफ अली ज़रदारी खे आगाही पिणु ॾिनी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सदारत हेठि PP पार्लियामानी पार्टी जो इजलास थियो। इजलास में पार्लियामेंट जा PP मेंबर शरीक थिया, जॾहिं त पीपल्स पार्टी MNA आसफा भुट्टो ज़रदारी बि शिरकत कई। इजलास में पीपल्स पार्टी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर वीचार कयो वियो।
लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मार दिए गए। आईएसपीआर मुजिब खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास और सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर के शहादत का सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन किया, जैमें दहशतगर्दन के केतर ठिकान के भी तबाह किया वो। आईएसपीआर मुजिब सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई दौरान 11 दहशतगर्द मार दिए गए। आईएसपीआर मुजिब आईईडी धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद किया हुआ। आईएसपीआर मुजिब इलाके में बेन दहशतगर्दन के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कयो पियो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लकी मरवत में 11 दहशतगर्दन के मारण से सिक्योरिटी फोर्सेज की वाखाण करते चवा है तो पाक फौज शहीदन और गाजन के सलाम पेश करूँ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लकी मरवत में 11 दहशतगर्दन के मारण से सिक्योरिटी फोर्सेज की वाखाण कई। शहबाज शरीफ चवण है तो बहादुर जवानन पांची जान खतरे में विझी दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। उन्हें दहशतगर्दी खिलाफ जंग में फोर्सेज हमेशा रुक की भित साबित थियन। संदस चवण तो असा पाक फौज के शहीद और गाजन के भेटा पेश करूँ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चवा है तो चीन के दौरे का अग केतरा ही इजलास कोठाया वाया। काबीना इजलास में गलाइंदे शहबाज शरीफ चवा है तवां सबनी जी कोशिशन सा चीन जो दौरो कामयाब रहो। इन चवा है चीन के दौरे में सिक्योरिटी बाबत मामला एजेंडा में सरे फहरिस्त हुआ। वज़ीर आज़म चवणा है जल्द चीन में आला सतही वफद पाकिस्तान जो दौरो कंदो। सीपैक 2 ते भी तेजी से कम अगते वधंदो। सूबाई वजीर सरदार शाह चवा है तो वफाक वायदो किया हो तो सिंध के 13 अरब मिलंदा पर अना तई अमल न थो है। बजट में NFC अवार्ड आने सिंध के हिस्सों दिनों वे। कराची में मीडिया से गुफ्तगु कंदे सूबाई वजीर सरदार शाह चाहे तो सिंध जहा 50 स्कूल बोर्ड में मुतासर थे जिनके ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने तो मुख्तलिफ मनसूबन तहत 5000 स्कूल की मरम्मत कराई वही है। अना भी 15000 स्कूल मुतासर हैं। तालीम वाले वजीर चाहे तो वफाकी हुकूमत सिंध से वायदो किया तो तरक्याती बजट में पूरा हिस्सों दिनों वो। सरदार शाह चाहे तो अग भी वफाक वायदो किया तो सिंध के 13 अरब रुपया मिलंदा जी अना तीन ना मिलिया। हाँ चाहे पे वे तो 5 अरब दिना वा जैसे वे वजीर सख्त एहतजाज किया है। संदस चवण तो बजट में NFC अवार्ड आने सिंध के हिस्सों दिनों वे। सूबाई वजीर सरदार शाह चाहे तो सिंध वसील की मालिकी करे पी पर नजरअंदाज कर वे तो हाँ बर्दाश्त न कंदी। NFC अवार्ड नहीं लाए, अब बजट आ रही है। उस हवाले से जो सिंध के मंसूबे थे, जो सिंध के साथ जो वायदा किया गया था कि आपको तरक्याती बजट में PSTP में शेयर मिलेगा, उसमें खसूस मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से हमने रिक्वेस्ट उनको भेजी थी कि आप जो सैलाब में जो हमारे 50% स्कूल जो है वो तबाह हुए उसमें आप उस हम अपने रिसोर्सेज पे और अपने वसाइल पे हम स्कूल नहीं बना सकते। अब 20,000 स्कूल अगर डैमेज हैं सिंध में तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक हम 5,000 स्कूल उठा पाए हैं मुख्तलिफ मनसूबों में। उनने कमिटमेंट की थी कि हम 13 अरब रुपये देंगे सिंध को, उसमें 1 रुपया हमें नहीं मिला। अभी कह रहे हैं कि 5 अरब हमने मुख्तस किए हैं। कल CM साहब ने वहाँ पे इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग में भी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहतजाज किया है इस बात पे कि सिंध के साथ जो कमिटमेंट होती है वो हमेशा पूरी नहीं करता वफाक, क्योंकि हम टैक्स हम देते हैं पाकिस्तान की बजट बनाने में। अगर आप सिंध को निकाल दें तो अब उनका शेयर क्या बनता है आप मुझे बताएं। रिसोर्सेज सिंध से जाते हैं मगर ज्यादतियाँ सिंध के साथ होती हैं। इस पर मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की बजट का दस्तावेज का हम इंतजार कर रहे हैं, उसमें सिंध के हवाले से जो कमिटमेंट की गई है वो शेयर सिंध को मिलेगा, स्कूल की तमीरात के लिए मिलेगा, बाकी जो मंसूबे हैं कराची के लिए मंसूबे हैं, सिंध के लिए जो मंसूबे हैं हमारे इंटीरियर सिंध के लिए वो भी सिंध को मिलने हैं और मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे तो असेंबली के फ्लोर पर भी एडजस्ट करेंगे और मीडिया के सामने भी एडजस्ट करेंगे। तवानाई वाले सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चवा है तो सिंध से नाइंसाफी थी रही है। वज़ीर आज़म तरफा इन मामले से बेहतरी की उम्मीद रखूँ था। सिंध के वे वजीर सिंध के हिस्से के लिए वज़ीर आज़म से गालायो है। कराची में मीडिया से गलाइंदे ने चवा है वक्त मुल्क तवानाई के बहरान के मूरे रो है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सस्ती तवानाई की फ्राहमी का मनसूबा ठाण की हिदायत कई है। सोलर पार्क तमीर हेठा जैसे तोठन के भी सोलर दिनों वो। नासिर हुसैन शाह चवा है PTI बानी जिन इदारों खिलाफ़ गाले रो है उन्होंने गाल कर चाहे तो खेस जान घुर्जे तो गाल सियासतदान पार्लियामेंट से करणियों। संद चवण हो तो NFC अवार्ड मौजूद ना है। बेन सूबन में मोटरवेज कायम है पर सिंध से नाइंसाफी थी रही है। सिंध के वे वजीर सिंध के हिस्सों दियारण लाए तरक्याती कमन बाबत वज़ीर आज़म से गल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वायदो किया तो वफाक के मनसूबन में सिंध के सूबे सिंध सूबे के हिस्सों दिनों वो। मिनिस्टर साहब जड़े का PMLN की हुकूमत आई 2013 में उन वक्त का सिंध जो जो केस हो उनके फाइट किया है उन इशूज रेस कया। पर 2013 का ऑनवर्ड जो शेयर सिंध हुकूमत के फेडरल PSTP में मिलना घुर्जा वो को मिलो। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थो
तो उन्होंने कुछ वायदा असा जरूर कया कुछ स्कीमों फेडरल पीएसटीपी में सिंध जी उन्होंने रखी पर जैसे पैसों की गाल आई तो उन्होंने पैसा सफा न हो बराबर पैसा जैसे सिंध के ट्रांसफर थे उन हुकूमत में भी सूरत वही सागी रही जो 2013 का शुरू थी हाँ इन दफे भी बाकायदा सबूतन से गड ये गाल सामू रखी गई तो बया जो टे सूबा उन्होंने फेडरल पीएचडीपी में वा वा कम क्या वह अरबे रुपया खर्च थे असा के उन्हें कोई एतराज को बिल्कुल कन पर सिंध जो जो जायज शेयर है वो असा जरूर मिलन घुर्जे असा काफ़ी स्कीमू फेडरल पीएचडीपी में मोकलियो असा उम्मीद है तो इन दफे स्कीम उन्हें शामिल कदा असा ये चाहूँ था तो इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट बजट थे तो वो सूबन में बराबरी बुनियाद तकसीम थे ये न थे तो सिंध हुकूमत के सफा माना तुम 1% दियो बेन सूबन के 20% 25% दियो सेनेट कौमी असेंबली आ या चार सूबन में असा नुमाइंदी आ उते भी यह गाल गलाई भी आता एन एफ सी तमाम जरूरी है छड़ो सिंध के लिए सभी सूबन के लिए पर उन अमल को थे पर मुल्की हालात अड़ा जो जाहिर है बजट तो उन ना रोके सकते तो बजट क्यों दूँ पा असा यह घुर जरूर कई है तो इन में नो टैक्स न लगाया वे मानून जो पगारू वधायूं वन अड़ी शूँ अचन जिनमें गरीब मानू के फायदो थे जो सफेद पोश आ जो तमाम घड़ो पिसजी चुको आ उन्हें के सपोर्ट मिले सिंध असेंबली के इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थो इजलास दौरान एक ठहराव मंजूर है एक रद्द इजलास सुभाने तई मुलतवी सिंध असेंबली में इंजीनियर्स के टेक्निकल अलाउंस दियण के लिए ठहराव मंजूर किया वो ठहराव एमकेएम के एमपी आदिल अस्करी ऐवान में पेश किया सीनियर सूबाई वजीर शहरजील इनाम मैमण और घरू वजीर जियाल हुसैन लंजार ठहराव की हिमायत कई सीनियर वजीर शहरजील इनाम मैमण इंजीनियर्स के डिग्री हासिल कर चार साल मेहनत करनी पवे थी इंजीनियर्स मेहनत करो मकाम हासिल कह इंजीनियर्स के अलाउंस मिलने जो मुतालबो गलत ना खेन अलाउंस दियण वे मुतालबे के सपोर्ट कंदी सीनियर सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी चाहे थी तो हर शोबे के मानून के माली वसीला दिना वन माली दुखियान सबब हुकूमत के फैसला कर में दुखियाई पेश अचे थी सिंध असेंबली में एमकेएम के मैंबर एजाज लक बंग्लादेश में तरसल पाकिस्तान के डे वापस आने लाय ठहराव पेश जो रद्द किया घरू वजीर तो यो मामलो वफाक जो है उते पेश किया वे इजलास में रेवेन्यू खाते बाबत सवाल जवाबन जो सेशन थो जै दौरान मुखालिफ दुरगवान अली खुर्शीदी सवाल किया तो रेवेन्यू खाते में सीनियर क्लैरक तपेदार ए मुख्तियारकार भर्तियों किए थियन थियं कड़े जिले में केतरा मुख्तियारकार भर्ती थियल घरू वजीर जियाल हुसैन लंजार जवाब डींदे बुधाया तो समूरी भर्तियों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कई वन मुख्तियारकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भर्ती थे जिते जरूरत होंगी है उतने खेन मुकर है जरूरी ना तो समूर मुख्तियारकार के पोस्टिंग मिले हो वो कें मुख्तियारकार जो नालो बुधाइन तो असा खेन बुधाइंदा तो किथे लगल है एमक्यूएम के साबिर कायम खानी सवाल किया तो टैक्स मानू पान दई रहा जमीन का हुकूमत किए टैक्स गर करे थी घरू वजीर जियाल हुसैन अंजार जवाब दिनों तो पैसा वठन को सोलो कम ना इन लाइ कोशिशू करूँ पा असंजा ऑफिसर टैक्स गड कंदा रहंदा आहिन जमीन में निकरंदड़ पानी जो धार रेट है डंडन जे पानी जो धार रेट है नन आबादगारन के सहूलतूँ दई रहा हूँ पीपल्स पार्टी की एमपीए मारी राशदी गालहिंदे चयो त रोजगार रोकराइण लाइ अदालत वनी स्टे वठन अफसोस जोगो अमल है वफाकी हुकूमत पासपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली करे औरतुन जिला दुखियाई पैदा करे छड़ी आहन उन्हें चे तो औरतुन जिला पासपोर्ट ते अगुणे मुड़स जो नालो लिखण लाजमी करार दिनों वो है असा अड़ी का भी पॉलिसी कबूल न कंदासी जैसा औरतुन जिला दुखियाई पैदा थियन इजलास में गालाइंदे तालीम वारे वजीर सरदार शाह चयो तो तारीख में पेरो भेरो 68,000 उस्ताद मेरिट के बुनियाद भर्ती थिया फेबरवरी 2025 तई वेटिंग में वेठल उम्मीदवार के भी भर्ती किया वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत से कुछ महीना भर्ती अमल रोको वो उन तो बरसात सबब 19,700 स्कूल तबाह थे 5,200 स्कूल की मरम्मत कई वही है इन वक्त 13,000 स्कूल की इमारतों तबाह हाल बनल वफाक फंड्स दियण जो वायदो किया हो पर इन वक्त तई एक रुपये भी न मिलो है बरसात सबब तबाह थियल स्कूल की बहाली के लिए तमाम घड़ी रकम घुर्बल है तें बाद सिंध असेंबली के इजलास सुभाने सुबह 11 लगे तई मुलतवी किया वो नाजरीन सिंध में बिजली की लोड शेडिंग बाबत असेंबली मेंबर छाता चवन उन हवाले से असा वीडियो लिंक मौजूद है कराची में इम्तियाज धाराणी 8 खां 10 कलाक जो लोड शेडिंग है इन हवाले से सिंध असेंबली के फ्लोज से जो मुख्तलिफ मेंबर्स आज उन्होंने भी गाल है असं सिंध असेंबली के मेंबर्स का पुछंदी तो उन्होंने हैस्को सेपको के ई सी की ज्यादत उनको चवण है आऊँ तो अपील तो करो असो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हिंसर पीपुल्स पार्टी भी जो उनकी हिमायत पी कर मरकज में मेहरबानी कर तू कुछ सिंध जो ख्याल कर
कादर पटेल साहब ने कौमी असम्बली में वफाकी वजीर को तवज्जो दिलाओ नोटिस में बताया कि ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए और रोज़ बरोज़ ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और के इलेक्ट्रिक ने तो कराची की आवाम का जीना अधूरा कर दिया और हम देखें हम स्टार कंज्यूमर हैं, हमारे यहाँ भी 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो के इलेक्ट्रिक खुद ये पैगाम दे रही है कि जो बिल भर रहे हैं वो भी बिल ना भरें, हमने आपकी लोड शेडिंग करनी ही करनी है और कुंडे की तरफ खुद लोगों को रागब कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक बनाया इसलिए गया था कि पाकिस्तान कराची की आवाम को सहूलत मिले, ये तो कराची की आवाम को और परेशानी में डाल दिया इन्होंने। ही जो 12 कलाक चाहिए 20 कलाक की लोड शेडिंग है उन्हें वो एक्शन वठण की तमाम सख्त जरूरत है, चाहे वो गोठन में हुजन चाहे शहर जहाँ मानू ढा परेशान हैं स्पेशली इन गर्मी के मौसम में। शदीद गर्मियों में जो तकलीफ दियन था मानू उनकी असं मरम्मत क्यों जो वाद रिलीफ मिले, हाँ जो असि ईद अचे थी उन्होंने में फ्री लोड शेडिंग मैनेजमेंट हो जैसे ईद की छुट्टी आन तो जो मानू पैं फैमिलियन से ईद सवले नमूने गुजार सकन। वफाकी हुकूमत ईद उल अज़हा ते ट्रेन ही आम मोकलन जो ऐलान कर छड़ियो। कैबिनेट डिवीजन तरफा जारी कल नोटिफिकेशन मुजिब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ईद उल अज़हा के मोकलन वाली समरी की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन में जाना वो है ईद की पहरे डी यानी सूमर 17 जून का 19 जून तई मोकल होंगी। नाजरीन माली साल 2023-24 की इक्तसादी सर्वे में एक साल दौरान चौपाए माल में वाद ए घटताई बाबत भी अंग अखर जारी क्या वह। माली साल 2023-24 की इक्तसादी सर्वे जारी कई वही जै मूजिब मुल्क में एक साल दौरान चौपाई माल में वाद ए घटताई बाबत अंग अखर जारी क्या वह। इक्तसादी सर्वे मूजिब एक साल दौरान मुल्क में बकरियन ए छेलन के अंग में 2 करोड़ 2 लख ताई वाद थी, जडे त रिढ़न के तादाद में एक साल दौरान 40 लख जो इजाफो रिकॉर्ड किया वो। इक्तसादी सर्वे मूजिब एक साल दौरान मेहन के अंग में 13 लख जो इजाफो थो, जैसे मुल्क में मेहन जो मौजूदा तादाद 4 करोड़ 63 लख थी है। सर्वे मूजिब एक साल में ढगन के तादाद में 20 लख की वाद थी, उन हिसाब से मुल्क में ढगन जो अंग 5 करोड़ 75 लख थी है। इक्तसादी सर्वे मूजिब एक साल दौरान घोड़न के अंग में को भी इजाफो न थो, मुल्क में घोड़न जो मौजूदा तादाद 4 लख ताई रिकॉर्ड किया वो। सर्वे में बुझाया वो तो मुल्क में गढ़न जो अंग 1 लख ताई वध्यो है। इक्तसादी सर्वे मूजिब हंदर साल मुल्क में गढ़न जो तादाद 59 लख ताई पहुंची वो है, जडे तो गुजल साल 58 लख ए साल 2021-22 दौरान मुल्क में गढ़न जो अंग 57 लख हो। इक्तसादी सर्वे में बुझाया वो तो एक साल में उठन के अंग में को भी इजाफो न थो। मटियारी जिले काउंसिल के चेयरमैन मखदूम अहमद जमा चवा है तो जिले काउंसिल के ऑफिस हेडक्वार्टर से माँ शिफ्ट करण वाली गालन में का भी सदाकत ना है। जारी कल बयान में चेयरमैन जिला काउंसिल मखदूम अहमद जमा जो चवण त मटियारी जिला काउंसिल की नई बिल्डिंग की तमीर लाइ सिंध हुकूमत के अख्तियार का मंजूरी की घुर कई है। उन्होंने जिला काउंसिल जो कार व्यवहार हलायण के लिए ऑफिस की खोड़ सबब सिंध हुकूमत का नई बिल्डिंग के लिए जमीन की घुर कंदी कंदे पैंजे सालियानी बजट में जिला काउंसिल की बिल्डिंग की तमीरत के लिए फंड्स रखा तो जी जिला काउंसिल जो कार व्यवहार बेहतर नमूने हल सके। जिला काउंसिल के चेयरमैन जो चवण है तो मटियारी के ऑफिस जिले हेडक्वार्टर में शिफ्ट करने वाली गाल में का भी सच्चाई ना है।